हे गाइस, टेक हॉर्मोन में आपका स्वागत है और ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है जिसे हम आज बना रहे हैं फेक गिव अवेज के ऊपर। तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो फेक गिव अवेज का प्रमोशन करते हैं और कहते हैं कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बेसिकली उन्होंने सिर्फ अपने चैनल को प्रमोट करना है, सब्सक्राइबर गेन करने हैं, व्यूज़ गेन करने हैं, और बदले में वो बोलते हैं कि वो कुछ गिव अवे करेंगे, किसी प्रोडक्ट का, कोई मोबाइल, कुछ भी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का वो गिव अवे करेंगे, मतलब फ्री में किसी को देंगे, जिसके बदले कि लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। बेसिकली उनको फ्री पब्लिसिटी मिल जाती है इसके ज़रिए। अब बात रहते हैं विनर्स की, न जाने किसको मिलता है किसको नहीं। मैंने आज तक कोई विनर नहीं देखा आज तक जिसको कोई गिव अवे मिला हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत सारे चैनल्स को देखते हैं और उनके जो जो कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगा किसी ने कुछ भी जीता है, और ना ही मुझे कोई सोशल मीडिया पर कोई फ़ोटो दिखी आज तक कि हाँ भाई मुझे इस चैनल से ये चीज़, मुझे ये प्रोडक्ट मुझे मिला है। तो फेक गिव अवे क्यों किए जाते हैं? बेसिकली ये सिर्फ चैनल्स हैं जो अपने प्रमोशन के लिए गिव अवेज के एक स्कीम निकालते हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। एक कॉन्टेस्ट होता है बेसिकली कि आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपको ये प्रोडक्ट देंगे अगर आप लकी विनर हुए तो। टेक्निकली कोई स्कैम नहीं है, ये बिल्कुल भी स्कैम नहीं है, ये जेन्युइन चीज़ है। बहुत से चैनल हैं जो करते भी हैं, सच में गिव अवे करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ये गिव अवे करना सही है या सच में लोग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कोई विनर नहीं दिखा, कोई सोशल मीडिया पर फोटो नहीं दिखी, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में नहीं दिखा कि हाँ भाई इस चैनल से इस बंदे को ये चीज़ मिली है, ये कैमरा मिला है, मोबाइल मिला है। ये मुझे लगता है कि ये चीज़ सच है। चलिए पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। मोटा मोटा इसका फ़ायदा होता है चैनल को, जो चैनल है उसको प्रमोशन मिल जाएगी, उसको व्यूअर्स मिल जाएंगे, लोग उनकी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर उनके टाइटल में लिखा होगा कि हाँ जी गिव अवे है इस वीडियोस के एंड में, कहीं भी कुछ भी, चैनल को तो सब्सक्राइबर मिल गए, और वो लोग लालच में आकर वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, है ना। जैसा कि वीडियो में बोला जाता है कि इस वीडियो को जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे चांसेस होंगे आपके उतने ज़्यादा जीतने के। तो चैनल को तो सब्सक्राइबर बेस मिल गया, कितने व्यूज़ मिलेंगे, कितने सब्सक्राइबर आएंगे नए, इस उम्मीद में कि हम भी कुछ जीतेंगे। चलिए बात करते हैं कि शुरू से ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक क्यों है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा बहुत से बड़े बड़े चैनल हैं जो प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ये प्रोडक्ट देंगे, 10 विनर्स निकालेंगे, 20 निकालेंगे। इवन एक बार तो अनबॉक्स थेरेपी के लू ने पूरा ट्रक भरकर आईफोन्स की प्रमोशन की थी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतने आईफोन हम लोग गिव अवे करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। मुझे पता नहीं उसने किए या नहीं किए, मैं नहीं जानता सस्ता है झूठता, बट ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि चैनल बोल तो देते हैं कि हम लोग गिव अवे करेंगे लेकिन वो करते कुछ नहीं है, जस्ट प्रमोशन ले ली, वीडियोज़ से सब्सक्राइबर बढ़ गए, व्यूज़ बढ़ गए, नए बंदे आ गए, उनका प्रमोशन तो होगी लेकिन गिव अवे वो लोग नहीं करते। अभी एक वीडियो का रिजल्ट आता नहीं है, इतने में दूसरी वीडियो अपलोड कर देते हैं कि नया प्रोडक्ट आया है, नया मोबाइल आया है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको 10 गिव अवे करे जाएंगे, 10 फोन 10 लोगों को दिए जाएंगे। कोई पूछे उनसे कि पिछले रिजल्ट तो आपने अब तक दिया नहीं है और अगली वीडियो आप बना रहे हैं। कोई बड़ा चैनल हो जिसके पास पैसा हो, प्रोडक्ट हो, वो तो अच्छा लगता है गिव अवे करना। अब बहुत से छोटे छोटे चैनल होते हैं वो भी बोलते हैं कि हम लोग गिव अवे कर देंगे 50,000 का फ़ोन, 1,00,000 का कैमरा, 25,000 का फ़ोन, तो वो तो डेफिनेटली झूठ है। छोटा चैनल कभी भी गिव अवे नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद अपने पैसे लगाकर प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करता है, यूट्यूब से इनकम उसको है नहीं। तो जब तक 5-7 लाख एक बंदे के सब्सक्राइबर ना हो तो मुझे नहीं लगता कि वो चैनल गिव अवे कर सकता है, वो भी बड़े प्रोडक्ट, महंगे प्रोडक्ट। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ऐसे गिव अवेज को निग्लेक्ट करें, इनको इनकी तरफ आकर्षित ना हो, उनके कहने पर उनके चैनल को शेयर मत करें ज़्यादा, ताकि आप चैनल को देखें क्या सच में वो गिव अवे कर रहा है या नहीं। अगर उसके एक वीडियो में उसने प्रॉमिस किया है गिव अवे करने का, तो आप चेक कीजिए कि उसके विनर कहाँ पर हैं, उसने कहाँ पर विनर को घोषित किया है, उनके प्रोडक्ट कहाँ डिस्पैच किए हैं, कब डिस्पैच किए हैं, उनको आगे प्रोडक्ट मिले हैं या नहीं मिले हैं, सबसे पहले भी चेक कर लीजिए। हर रोज़ नई वीडियो डाल रहे हैं गिव अवे गिव अवे गिव अवे, जस्ट ये प्रमोशन है और कुछ भी नहीं है, ताकि उनका चैनल ग्रो कर जाए। और YouTube की भी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं और गाइडलाइंस हैं अपने कॉन्टेस्ट को लेकर, जिसमें लिखा होता है कि आप खुद जिम्मेवार हैं अपने गिव अवे के। मान लो आप कुछ गिव अवे करते हो, उस प्रोडक्ट से कुछ नुकसान होता है किसी का, तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसका YouTube रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए मैं किसी बच्चे को मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर दूँ, एग्ज़ाम का टाइम है उसका, और वो मोबाइल के फ़ोन चला चला कर वो एग्ज़ाम में फेल हो जाए, अब पेरेंट्स आपको ब्लेम करेंगे ना, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, खासकर हमारे देशों में, इंडिया में। आप किसी को कोई प्रोडक्ट दे दीजिए, अपना कोई कैमरा किसी को दे दिया, आप वो फोटो खींचते खींचते किसी की डेथ हो जाए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिसने दिया वही रिस्पॉन्सिबल हुआ ना। सिमिलरली आप किसी को मोबाइल देते हो, बच्चा पढ़े ही ना, सारा दिन मोबाइल पर लगा हुआ है, फोटो खींचते हो, उसका कुछ नुकसान हो जाए या कुछ भी, वट एवर, छोटा सा एग्जाम्पल है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो जिसने दिया वही रिस्पॉन्सिबल है। तो इन सब बातों को चलते हैं मुझे नहीं लगता कि लोग रियल गिव अवे करते हैं।
तो गाइस ये थी हमारी छोटी सी वीडियो फेक गिव अवेज के ऊपर, तो आप भी इन सबको अवॉइड करें, इनका इतना ज़्यादा आकर्षित ना हो इनकी तरफ, कुछ नहीं है, सब कुछ पब्लिसिटी है चैनल्स को प्रमोट करने के लिए। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हमारे पास अभी कोई गिव अवे नहीं है कुछ करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक हॉर्मोन को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।